सिंगर नदी किनारे भैंसों को चराने गया, 45 वर्षीय ग्राम पंचायत सदस्य नदी पार करने के दौरान डूबा। मौके पर पहुंची टावा भरतनावा और या शलदा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से गोताखोरों की मदद से खोज शुरू की। आपको बता दें कि भरतना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जारपुरा के नगला छोटी निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र मोहर सिंह उम्र करीब 45 वर्ष रोज की तरह अपने घर से भैंसों को एक साथी के साथ सिंगर नदी के किनारे हरी घास को चराने के लिए ले गया था। बुधवार दोपहर 1 बजे उसकी भैंस चरते हुए ग्राम घमसिया और नोगुआ के मध्य नदी पार कर दूसरी ओर चली गई तो सुरेंद्र उसे वापस लाने के लिए नदी में घुसकर अपनी भैंसों को लेने जा रहा था, तभी वह बीच नदी में पानी के तेज बहाव में वह बह गया, जिसकी जानकारी उसके साथी ने परिजनों को दी। सूचना मिलते ही सुरेंद्र के घर वाले सहित अन्य परिजन सिंगर नदी की ओर दौड़ पड़े और आसपास से गांव के गोताखोरों की मदद से सुरेंद्र की खोजबीन करने लगे। इधर तब तक ग्राम प्रधान सुमित यादव ने घटना की जानकारी भरतना तथा अछलदा पुलिस को दे दी। दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर सुरेंद्र की खोजबीन में देर शाम तक जुटी रही, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। ग्रामीण सुधीर यादव की बताया है कि आपको बता दें नोगुआ के पास नदी में पहले से ही जाल लगा दिया गया था। युवक का शव सुबह 5 बजे उसी जाल में फंसा हुआ मिला। गोताखोरों को मदद से शव को बाहर निकाला गया और पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए औरैया शव गृह भेज दिया है। वही दुखद घटना से सुरेंद्र के भाई अवधेश उमेश चंद्र रणबीर मां किताब श्री के साथ चाचा एब्रन सिंह सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? उमेश चंद। कौन सा गांव है? नगला छोटे। क्या घटना हो गई? भैंस चराने आए थे भाई साहब, यहाँ भैंस नदी के बाहर साइड निकल गई होगी, हम तो यहाँ थे नहीं, तो भैंस निकालने के लिए उधर गए, नदी में पानी ज्यादा था, डूब गए। कितने बजे? 1 बजे की। क्या नाम था भाई? सुरेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी? नगला छोटे। शादी होगी? शादी नहीं होगी। ये कितने भाई थे? चार भाई थे। तो ये डेली यहाँ पे भैंस चराना? डेली आते थे। आपको जानकारी कैसे मिली? हमें फोन किया, हम बगल में मेरे भैया हैं, उन्होंने फोन करो, उन्हें फोन करके बताओ है, तो हम घर पे ही लेटे रहते, एक लोग उनके साथ में आ, तो उन्होंने सूचना करी हुई है डूब गए वैसे, तो हमारे पास फोन आओ, तो भैया डूब गए ऐसे जल्दी। कितने बजे की घटना? 1 बजे की।